देख रहे सारे दर्शकों इंद्रजीत सिंह बख्शी लो प्यार भरी सत श्री अकाल। नजर मार दिया पंजाब दिया 10 बड़िया खबरां ते। आप पार्टी की विधायक ते पार्टी दी महिला मोर्चे ने सुखपाल खैरा खिलाफ मोर्चा खोलते हुए खैरा उत्ते औरतों लई मंदी शब्दावली वरतण दे दोष लगाए ने। मंदी शब्दावली वरतण नूं लैके विंग दे प्रधान प्रोफेसर बलजिंदर कौर ने खैरा नूं माफी मंगण लई कहा। बलजिंदर कौर ने कहा कि सुखपाल खैरा वालों सोशल मीडिया उत्ते जिस तरह नाल औरतों लई मंदी शब्दावली वरती गई है जिस नूं कदे भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। महिला प्रधान ने चेतावनी दी कि जे खैरा ने माफ़ी ना मंगी तो वह एफ आई आर दर्ज कराएंगे। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह 18 नूं विदेशी दौरे उत्ते रवाना होणगे। इस दौरे दौरान उन्हां नाल उन्हां दे कुछ IAS अधिकारी भी शामिल रहणगे। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह 18 अगस्त तो लगभग एक हफ्ते लई विदेशी दौरे ते जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्टा मुताबक वह सिंगापुर जाणगे। इत्थे वह भारतीयां ते विशेष तौर पर पंजाबियों नूं भारत आउण लई प्रेरित करनगे। अमृतसर पुजे केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने एक विवादित बयान दिता है जिस विच उन्हां पाकिस्तान नाल जंग करन दी गल कही है। अठावले ने कहा कि पाकिस्तान भारत च वार वार घुसपैठ करता है, एक बार पाकिस्तान दे नाल युद्ध हो ही जाना चाहिए। उन्हां मन्निया कि भारत पाक वंड ना हुंदी तां अतवाद ना पनपदा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इमरान दे प्रधानमंत्री बनन नाल भारत पाक संबंध सुधर सकते हैं, इसलिए पाकिस्तान नाल आर पार की लड़ाई होनी चाहिए है। सूबा सरकार ने 10 दिन अंदर फसली कर्जा माफ़ी का दूजा पड़ा शुरू करने की तैयारी कर रही है। इस पड़ा विच छोटे किसानों के फसली कर्जे माफ़ किए जाएंगे। कर्ज माफ़ी का यह गेड़ 15 अगस्त के आसपास शुरू किया जा सकता है। इस संबंध में निजी ते कौमी बैंकों ने सरकार को करीब 4.53 लाख किसानों का डेटाबेस सौंपया है जिन्होंने 2 लाख रुपए तक का फसली कर लिया। बरनाला के बठिंडा चंडीगढ़ मुख्य मार्ग उत्ते कस्बा हंडिया नेड़े सड़क हादसे एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 4 जनों के जख्मी होने का समाचार प्राप्त होया। प्रत्यक्षदर्शियों ने दसाया कि यह हादसा उस समय होया जब बठिंडा वाल जांदियां एक व्यक्ति कार रस्ते च खराब होण ते जद मदद लई एक पिकअप सवार ने अपनी गड्डी रोक के पीछे आ रही ट्राले ने खड़ी गड्डी च टक्कर मारी। हादसे दौरान पिकअप च सवार 5 जने जख्मी हो गए। जख्मियों को सिविल हस्पताल दाखिल करवाया गया जिथे एक की हालत गंभीर होने मगरों उसनू पटियाला लई रैफर किया तो रस्ते च ही उसकी मौत हो गई। पठानकोट के सुंदर नगर च रेलवे ट्रैक से छापेमारी करके प्रशासन ने 1000 टन रेत बजरी कब्जे च लैके ट्रैक्टर से पे रेता बजरी नूं सील कर दिता है। अजिही कार्रवाई DC हुक्मां तहत की गई है पर अजे तक किसी भी पार्टी ने क्लेम नहीं किया जिस तों साफ हुंदा कि पठानकोट च गैर कानूनी माइनिंग जोरां उत्ते हुई है। पंजाब बिजली मंत्री गुरप्रीत सिंह कांगड़ ने कहा कि 500 एकड़ विच सोलर प्लांट लगन जा रहे हैं जिस लई वध तों वध पौधे लगाने जाने चाहिए ने। वह अज पटियाला विखे वण महोत्सव समागम विच संबोधन कर रहे सन। रूपनगर के कस्बा परतगढ़ नज़दीक पिंड आलोवाल में लंघती भाखड़ा नहर में सीमेंट फैक्ट्री लई कच्चा माल ले जा रहे ट्रक डिग गया। 6 घंटे की मशक्कत तो बाद उसनू नहर में कढ लिया गया पर इसका चालक लापता है। बैबल कला गोली कांड उत्ते जस्टिस रणजीत सिंह कमीशन की रिपोर्ट तो बाद गृह विभाग पंजाब ने मोगा के सबका SSP चरणजीत शर्मा समेत 10 पुलिस अधिकारियों खिलाफ इरादा कतल तहत मामला दर्ज करने की सिफारिश की है। गृह विभाग ने पंजाब के DGP को सिफारिशा भेजिया उन्हें लोगों खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की है जिन्होंने 14 अक्टूबर 2015 बैबल कला विखे श्री गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी मामले च रोष कर रहे लोगों उत्ते गोलियां चलाईया। इस दौरान 2 व्यक्तियों की मौत हो गई थी। IPTV ने ज्ञानी गुरमुख सिंह 2 साल बाद फिर तो अकाल तख्त साहब का हडग्रंथी बना दिता है। ज्ञानी गुरमुख सिंह वह हैं जिन्होंने 3 साल पहला अकाल तख्त के हैड ग्रंथी और तख्त दमदमा साहब के कार्यकारी जथेदार रहते हुए दशम पातशाह वर्गा बाणा धारण करके जामे हिंसा फैलाउन नाल जुड़े विवादों से डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को अकाल तख्त के वलों माफ़ी देने से SGPC और श्रोमणी अकाली दल के खिलाफ मोर्चा खोल दिता। उस समय SGPC ने उन्होंने अहुदे तो उन्होंने हटा दिता सी अते उन्होंने जींद के गुरद्वारा च बतौर हैड ग्रंथी ट्रांसफर कर दिता। जो ज्ञानी गुरमुख सिंह ने जींद च ज्वाइन नहीं किया तो अमृतसर च अलाट आवास खाली नहीं किया तो SGPC ने उन्होंने घर की बिजली पानी का कनैक्शन भी कर दिता सी। 2015 च SGPC के तत्कालीन प्रधान अवतार सिंह मक्कड़ ने ज्ञानी गुरमुख सिंह के भरा हिम्मत सिंह भी ग्रंथी के अहदे तो हटा दिता सी। इसे ही पंजाब दी 10 वड्डियां खबरां फिर नवी अपडेट लैके मैं फिर वापस आवांगा। तदले तुसी वेखते रहो चैनल Y।